नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। कानपुर एनकाउंटर में 8 पुलिस कर्मियों की शहादत का आरोपी कुख्यात विकास दुबे आखिरकार पुलिस के हाथे चढ़ ही गया। पुलिस ने विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया है। खबर है कि विकास दुबे ने सुनियोजित तरीके से इसे अंजाम दिया है। बता दें कि विकास दुबे ने महाकाल मंदिर में जाकर पर्ची कटाई, जिसके बाद मंदिर के सुरक्षा कर्मी ने उसे गिरफ्तार किया। कानपुर में कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के दौरान हुई खूनी संघर्ष में सीओ सहित पुलिस के 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। अपराधियों ने पुलिस बल को चारों तरफ से घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी और 8 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद से ही यूपी समेत कई राज्यों की पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही थी। बीच में विकास दुबे के दिल्ली NCR में छिपे होने की भी खबर आई थी, लेकिन वह एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे के करीबी बउआ दुबे और प्रभात मिश्रा को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। प्रभात मिश्रा को पुलिस ने फरीदाबाद के होटल से गिरफ्तार किया था। प्रभात पुलिस की कस्टडी से भाग रहा था। इसके बाद एनकाउंटर में प्रभात को मार गिराया गया। इसके अलावा इटावा में विकास दुबे के करीबी बउआ दुबे को मार गिराया गया। तमाम इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हुंकार 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद। बड़ा हो, हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। सर, मंदिर में से गिरफ्तारी हुई? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीज़ों को पता करने दो। सर, पुलिस ने इनके साथियों का एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है, और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था, और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, MP पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो MP में आ सकता है? चूंकि ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। ठीक है सर, एक मिनट सर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।